नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अम्बेसडर नहीं तो पीएस से काम चला लो ना, इससे बात करो। मैं इसकी मुंह नहीं लगना चाहता, मैंने इसके बाप पर रहम खाकर इसको नौकरी दिलवाई कि नहीं दिलवाई। मेरे बाप तूने नौकरी मुझे दिलाई तो इसने मुझ पर रहम क्यों नहीं खाया? मेरे घर में डाका टांगे तोड़ दूंगा। कौन है ये, चिल्ला क्यों रहा है? अच्छा आवाज भी बदल ली। कौन है आप? आप कौन है? सर वो ये मेरी माँ है। ये माँ कहाँ से पैदा हो गई? बुड्ढे ने तो कहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है, सिर्फ एक बेटा है। बुड्ढा? अरे कौन बुड्ढा? अच्छा आपको कैसे बुड्ढा लगेगा, इस बुढ़ापे में दूसरी शादी जो कर ली है। दौलत राम जी तमीज से बात कीजिए। ये क्या बकवास है? कुछ नहीं आंटी जी, ये सब नाटक है। नाटक? कैसा नाटक? नाटक कहने के बाप भी यही बेटा भी यही। मतलब ये कि आपकी बच्ची को ड्राइविंग सिखाने के लिए बुढ़े ड्राइवर की जरूरत थी ही ना, इसलिए इसको बुढ़ा बना दिया। मतलब मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। मैं तुम लोगों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा, मैं तुम लोगों के हाथों में हथकड़ियां पहनवा दूंगा। खबरदार जो कभी मेरी बेटी के साथ नाचने की कोशिश की, खबरदार जो कभी मेरी बेटी के साथ गाना गाने की कोशिश की। अरे दौलत राम जी के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है खबरदार ने मुझे हाथ लगाया, मुझे कुछ दिखाई नहीं। अरे ये सब क्या है? कुछ नहीं आंटी, सब फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा? क्या फायदा? उनकी लड़की इससे प्यार करती है, जल्दी से आपको एक नई बहू मिलने वाली है। देख विजय, माँ बाप का दिल दुखाकर कुछ नहीं करना, अगर शादी होगी तो उनकी मर्जी से होगी। तो शादी नहीं होगी। आरती, आरती। क्या हुआ पापा? बाप से ड्राइविंग सीखती हो और बेटे से रोमांस। ओह पापा, वो क्या है कि मैं विजय से प्यार? जो तुम उसे प्यार करती हो, तुम उसे शादी करना चाहती हो। पापा मैं? हाँ मैं जानता हूँ कि तू कहेगी प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन प्यार किया तो नहीं डरना, लेकिन मुझे तो डरना पड़ेगा। चल अंदर। पर आप मुझे ले जा रहे हैं। मैं नहीं निकालता तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। जाओ मेरे रास्ते से, जाओ। इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो। क्या कर रहे हैं आप? तुझे अपने 10,000 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ध्यान रखना ये लड़की इस कमरे से बाहर ना निकले। आज जाओ मेरे रास्ते से। हाँ यहाँ के दोनों डॉक्टर भी है उनके साथ। हाँ ठीक तो हो जाएगी ना? कॉम्प्लिकेशंस आर देयर बट देयर्स नथिंग टू वरी अबाउट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जी। सुनिए ये अजय बाबू की गाड़ी है ना? हाँ आइए डॉक्टर साहब। अरे आशा तुम यहाँ? अजय मुझे क्षमा कर। अरे आशा ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें गलत समझा अजय, मुझे बताए बिना जो तुमने मुझे कांटेक्ट दिलवाया मेरी दीदी का इलाज। ये मत समझो कि मैंने तुम्हारी कोई मदद की है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी कला को उभरने का मौका दिया है। हर कला की कदर तो हर इंसान को करनी चाहिए। और हाँ डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। अजय तुम मानो या ना मानो मगर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। अगर दिल मान सके तो इसे मेरा प्यार समझना। अजय आशा सुरेश जी। जी वो क्या है कि इसे नींद में चलने की आदत है, बाहर जा रही थी मैं इसे जगा के ला रहा हूँ। अच्छा तो इससे नींद में चलकर बाहर जाने की आदत है, अंदर जाओ तुम। सुरेश जी वर्मा जी ने जो लड़कियों के रात रात भर गायब रहने की बातें कही। प्लीज मैडम। नहीं मैं बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती। मेरे बाल बच्चों पे तरस खाइए मैडम, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दीजिए फिर आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी नौकरी चल जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके पांव पड़ता हूं, सिर्फ एक मौका। ठीक है इस बार छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो मुझे मजबूरन रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारे कहने पे सेवा आश्रम को डोनेशन दिया था और तुमने जिम्मेदारी ली थी मुझे रेगुलर ब्याज देने की। नहीं आप ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ जो बड़ी सिस्टर है ना वो सिस्टर तुम्हारी होगी, ये माँ बहनें सब तुम्हारी होगी,
मेरे लिए सिर्फ औरत है। मुझे औरत चाहिए उन तीन भेड़ियों के लिए। उनके किचन का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारी सिस्टर का? मेरी सिस्टर नहीं है, वैसे उनका नाम है निर्मला देवी। नमस्ते निर्मला देवी, मैं आपके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। हमारे दिलों में आपके लिए कितनी इज्जत थी, लेकिन क्या किया है मैंने? बात क्या है? ये आप अपने असिस्टेंट से पूछिए। सर मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निर्मला कहना क्या चाहते हैं आप? आप आश्रम की लड़कियों को रात में बाहर भेजती हैं प्रॉस्टिट्यूशन के लिए। अच्छा तो ये चाल तुमने खेली है नीच। मैंने तुम्हें उस दिन माफ कर दिया और तूने अरे रुक जाइए। क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस वक्त मोना कहाँ है, जिसे दो दिन पहले ए वार्ड में भर्ती किया गया? मुझे नहीं मालूम। मगर हमें मालूम है, सुरेश ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर अपने साथ लाया। सुरेश मोना इधर आओ। मोना तुम आश्रम के बाहर कैसे गई? सर मैडम के साथ, यही मुझे अपने साथ ले गई थी। मेरे साथ? मैं तुम्हें बाहर ले गई? हाँ, इन्होंने ही मुझे गोल्डन क्लब छोड़ा और वहाँ से 500 रुपए लेकर चली गई। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब साजिश है मेरे लिए, ये सब गलत है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। मोना तुम अंदर जाओ। जी। निर्मला देवी, इस आश्रम में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। कल ट्रस्टीज की तरफ से आपको डिसमिसल लेटर मिल जाएगा। चलते हो क्या? अरे आंटी, आंटी आप यहां इस तरह, आपकी आंख में आंसू? क्या बात है आंटी? आंटी मुझे बताइए क्या बात है? आंटी मुझे बताइए क्या बात है? आंटी आपकी आंख में आंसू क्यों है? आंटी बताइए मुझे आंटी। अच्छा चलिए चलिए प्लीज। नहीं अजय, मुझे नहीं। बोल तो यहां कैसे आई? कौन लाया तुझे आश्रम में? मुझे नहीं मालूम। बोल जवाब दे। मुझे नहीं मालूम। सच बोल। मुझे नहीं मालूम। ये सुरेश। मैंने झूठ बोल रही है ये। मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे पैसे देकर सिस्टर के खिलाफ बोलने को मजबूर किया था। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है। ये गंदा काम इसी नीच आदमी का है। कुछ दिनों पहले जब लड़कियों के रात रात भर गायब रहने की रिपोर्ट मिलने पर सिस्टर ने इनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए तो ये कमीना गिड़गिड़ाया, पांव पड़ा इनके। अब सिस्टर ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया, लेकिन ये कमीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अब इसकी जगह इस आश्रम में नहीं, पुलिस लॉकअप में। नहीं नहीं नहीं, मुझे ले जाओ इसे यहाँ। चलो मैं देखती हूँ। चलो मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम भी चलो। सिस्टर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप जैसी देवी की बेइज्जती की। आपकी नाराजगी मुझ पर जायज है, लेकिन आप इस आश्रम से नाराज न होइए। इस आश्रम के सभी लोगों को आपकी जरूरत है। धन्यवाद। अजय बेटा, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। कैसी बातें करती हो आंटी, क्या बेटा भी माँ परेशान कर सकता है? तुम्हारे माँ बाप ने बहुत पुण्य किए होंगे जो उन्हें तुम जैसा बेटा मिला। कौन है वो भाग्यशाली माँ बाप? जी मेरे डैडी का नाम विश्वनाथ कश्यप है। क्या सोच रही है आंटी? कुछ नहीं। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा। कभी भी आपके काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा।
बेटे ने दुश्मनी संभाल ली। आप कहें तो महिला आश्रम की मैनेजमेंट पर मुकदमा दायर कर दूं? मुकदमा तो अब शुरू होगा। दौलत राम जी, दौलत आपके कदमों में हाजिर है। वो विजय के बारे में आप कह रहे थे जिसको अजय ने फैक्ट्री से निकाल दिया था। विजय बहुत अच्छा लड़का है, उसको यहाँ मेरे पास लेकर आइए। बहुत लुच्चा लड़का है, मेरी बेटी से रोमांस करता है। देखिए बिजनेस में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, बिजनेस इज बिजनेस। दौलत राम जी आप यहाँ क्यों आए? बेटा तुम्हें देखने को दिल कर गया था, और फिर वो कहते हैं ना कि जाने वाले फिर कभी नहीं आते, लेकिन जाने वालों की याद आती है, बस तुम्हारी याद आ गई थी। अच्छा हो तुम वहां नहीं गए। कहाँ नहीं गए? नहीं नहीं वहां नहीं, मेरा मतलब अच्छा हो तुम नौकरी पर नहीं गए। मैं तुम्हें काम दिलाने आया हूँ बेटा। मैंने कहा ना मुझे उस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में काम नहीं करना है। मैं जानता हूँ बेटा तुम मुझसे अभी नाराज हो, लेकिन क्या करो मैं एक बेटी का बाप हूँ और तुम मेरी बेटी के साथ, मेरा मतलब मैं जानता हूँ कि तुम एक सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से बड़ा आदमी बनाना चाह रहा हूँ बेटा। वो कैसे? उनके मुकाबले में आ जाओ। मैंने संतोष बाबू की कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी की बात पक्की कर ली है, चलोगे? जरूर चलूंगा दौलत राम जी, जरूर चलूंगा। लीजिए संतोष कुमार जी, आपके संतोष की दवा लेकर आया हूँ। संतोष कुमार जी, विजय कुमार जी। हेलो हेलो नमस्कार। अब आप लोग बातें करिए, मैं भी अपने आप से बातें करता हूँ। दौलत राम जी इधर नहीं उधर, बाहर गलत दरवाजा है। मैंने सुना तुमने विश्वनाथ की नौकरी छोड़ दी। जी हाँ। क्यों? पैसे बहुत कम देता था ना, वो था ही साला मक्खी चूस। मक्खी चूस नहीं खून चूस, उसके खानदान और उसकी फैक्ट्री को तो मैं मिटा कर रखूंगा। खैर ये सब जाने दीजिए, ये मेरा जाति मामला है। अच्छा अच्छा तुम्हारा भी जाति मामला है, मेरा भी एक जाति मामला है। मेरी एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वहाँ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम करो। मेरी फैक्ट्री विश्वनाथ की फैक्ट्री से ज्यादा तरक्की करनी चाहिए। हो जाएगा। वो कैसे? संतोष साहब बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब सामने वाले का घर ऊंचा हो और अपना छोटा, और अपना घर बढ़ाने का कोई चांस ना हो तो सबसे पहले सामने वाले का घर तोड़ दो, अपना घर अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। नेस्त नाबूद मटिया मेट, क्या बात है विजय, हम दोनों के इरादे तो एक ही है, हम भी एक हो जाते हैं मिलाव हाथ, और आज इसे शुरू कर देते हैं हमारे दुश्मन की बर्बादी। क्या मुझे तो? हेलो अजय बाबू, एक और ट्रक जल गया। क्या? ये नहीं हो सकता। अरे पुलिस को खबर की? बुलाइए फायर ब्रिगेड बुलाइए। क्या बात है बेटा? कुछ समझ में नहीं आता काका, कुछ दिन पहले दो ट्रक गायब हो गए, परसों एक ट्रक में आग लगा दी गई, और आज आज एक ट्रक में बम रखकर उड़ा दिया गया। मेरी तो समझ में नहीं आता काका कि कौन दुश्मन है जो हमारी बर्बादी करने पे तुला हुआ है। बेटा ये सब कुछ बड़े मालिक के देहांत के बाद शुरू हुआ है, और मैं देख रहा हूं इन दिनों तुम कुछ खोए खोए से रहते हो, जरूर कोई इसी का फायदा उठा रहा है बेटा। वासु काका, इस समय मेरा सारा ध्यान डैडी को दिए हुए वचन को पूरा करने में लगा हुआ है, मुझे किसी की तलाश है काका। Cheers! 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 अरे वाह विजय वाह, यार तुमने तो दुश्मनों के मकान की नींव हिला दी। ये लो। जी नहीं मैं पीता नहीं। पीते नहीं हो? अरे पियो पियो यार, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है और दुश्मनों के लिए मातम का। हैविट। पापा पापा दरवाजा खोलो, खोलो ना पापा। करूं कैसे मिलूं विजय से? ये सब क्या हो गया? एक एक करके सब ट्रक गायब हो रहे हैं और फैक्ट्री भी घाटे में। मैं डैडी को दिया हुआ वचन कैसे पूरा कर पाऊंगा, कैसे पूरा कर पाऊंगा? मैं जानता हूं कि आप सब लोगों की हुंडियों की तारीख निकल चुकी है, लेकिन आप सबका पैसा लौटाने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने की मोहलत चाहिए। देखिए
मैं आपको 3 महीने का ब्याज तक देने को तैयार। अजय बाबू इसको आखिरी मोहलत समझिए, 3 महीने का ब्याज और असली रकम भी चाहिए। पता नहीं क्यों अजय बाबू मेरे पांव खुद ब खुद मुझे खींच कर यहां तक ले आए। लेकिन आपकी तारीफ? भाई तारीफ तो बड़े आदमियों की होती है अजय बाबू, मैं तो तिनका हूं, वो भी छोटा वाला तिनका, लेकिन डूबते आदमी के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है। मैं कुछ समझा नहीं। अब किस्मत के खेल तो किसकी समझ में आए, वरना देखिए ना आपके पिताजी ने कड़ी मेहनत करके बंगला या फैक्ट्री वगैरह बनाया और आप भी मेहनत करके इसको बचाने के चक्कर में लगे हैं। मैं आपकी मदद के इरादे से आया। वजह? कुछ पिछले जन्म का लेन देन होगा और क्या, बताइए कितना दूं? अरे भाई मैं आपकी फैक्ट्री की कीमत पूछ रहा हूं, बताइए। आपको किसने कहा कि मैं फैक्ट्री बेच रहा हूं? वैसे भी तो फैक्ट्री बिकने ही वाली है अजय बाबू, लाखों का कर्जा है, कैसे चुकाएंगे? और मैं तो आपको पूरी कीमत एक ही चेक में दे रहा हूँ। बोलिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादे तो बदल जाते हैं अजय बाबू, और अकलमंद वही होता है जो वक्त के साथ साथ अपने इरादे बदल लेता है, वरना 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 राजा से रंग होने में कितनी देर लगती है। बोले आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? क्यों घर आई तकदीर को निकाल रहे हैं अजय बाबू, और मुझे तो इस घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी से उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही है। आपकी जिद अच्छे खासे बसे बसाए घर को शमशान बना देगी। यहाँ से जाने का क्या लेंगे? मैं तो आपका हमदर्द हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपके अंदर भी। फिर सोच लीजिए। Would you get out from here? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक दो दिन में गुस्से की जगह पे जब अकल आ जाए तो मुझे याद कर लेना। ये घर और फैक्ट्री की बोली लगाने से पहले ये रहा मेरा कार्ड, फायदे में रहेंगे। Out! Get out! Hello. क्या? क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सर। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाबू जानते हो हमारा ये नुकसान कौन करवा रहा है? कौन? विजय। जब से आपने उसको फैक्ट्री से निकाला है वो आपका दुश्मन बन बैठा है। और कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? कहाँ रहता है वो? बरेल में कपड़े की मिल के पीछे। होश में चलाया करो गाड़ी अजय बाबू, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम्हें परेशानी होगी। चाहता तो मैं यही था कि एक्सीडेंट हो जाए और तू कुत्ते की मौत मारा जाए। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मैं होश में था, तुम्हारे जैसे दौलत के नशे में नहीं। तेरे जैसे गद्दार आदमी को दौलत नसीब भी नहीं हो सकती, क्योंकि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। जुबान को लगाम दे साले, वरना एक हाथ मारूंगा पूरी 32 हाथ में आ जाएगी। सुना आप लोगों ने, ये नमक हराम मेरी 32 ही निकालेगा। Come on, get up. Oh, my God.
अजय आंटी आप विजय तू हट जा माँ रुक जा तू नहीं जानती ये कौन है रहीमजादे को बहुत गरूर है ना अमीरों ने कहा तू हट जा रुक जा तू विजय इनका बेटा मैं कहती हूँ रुक जा नहीं माँ इसकी तो मैं ये हालत कर दूंगा सारे सुख होते हुए कभी सुख की सांस नहीं ले सकेगा इस हरामजादे की जिंदगी में बर्बाद बेशर्म माँ के लिए तेरे दिल में यही इज्जत है ना मैंने तुझे यही सिखाया है कि तू दूसरों के घर बर्बाद करते रहे हाँ जा यहाँ से जा अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ नहीं आंटी नहीं मत मांगिए उसके लिए माफी वो इस लायक नहीं मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है कि वो एक आप जैसी महान माँ का बेटा है जानती हैं आप मेरी फैक्ट्री में काम करता था वो और आज उसी फैक्ट्री को बर्बाद करने में तुला हुआ है मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है उसने सारा बिस्तर चौपट कर दिया है आज जाने कौन से जन्म का बदला दे रहा है मुझसे आप नहीं आती आंटी तो आज मेरे हाथों कुछ ना कुछ हो गया होता नहीं देखो वो ना समझ है उसे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारा कितना बड़ा उपकार है मुझ पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज से वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो अपनी तरफ से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ आंटी कि मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी एक माँ के लिए होती है जीत रहा बेटा Now,